स्वतंत्र विदर्भ राज्य आंदोलन समिति और हाल ही में स्थापन किए गए जय विदर्भ पार्टी के संस्थापक साथ ही किसान संगठन के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राम नेवले का मंगलवार 16 नवंबर देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। उनके निधन से विदर्भवादी नेताओं में शोक की लहर छाई है। सभी को साथ लेकर जनजागृति करने वाला नेता अब नहीं रहा, ऐसी प्रतिक्रिया जय विदर्भ पार्टी की उपाध्यक्ष रंजना मामरडे ने दी। वही उन्होंने बताया कि राम सर हमेशा ही लोगों को प्रोत्साहित करते थे। उनके अचानक जाने से सभी का बड़ा नुकसान हुआ है। उनका पृथक विदर्भ का स्वप्न पूर्ण करने के बाद ही उनकी आत्मा को शांति मिलने की बात उन्होंने कही। माननीय राम नेवले साहब जो जय विदर्भ पार्टी के अध्यक्ष थे, वो और विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के मुख्य संयोजक थे। वैसे ही क्षेत्रीय संगठन के माजी महाराष्ट्र के माजी अध्यक्ष थे। ऐसे सब लोगों को प्रोत्साहित करते थे स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए। पूरे पूरे जिले में, पूरे तालुके में हम लोग सब साथ साथ घूमते थे और सब सबके साथ जाकर वो जनजागृति करते थे। ऐसे हमारे साथी, ऐसे हमारे नेता आज हम कहीं खो गए हैं। ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा हमारा नुकसान है। पता नहीं ये कब भरेगा, मगर उनका सपना जो है स्वतंत्र विदर्भ राज्य का, वो जरूर हम पूरा करेंगे। तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी और तब तक ये श्रद्धांजलि भी पूरी नहीं होगी। इसमें सब लोगों का हमको साथ चाहिए। अगर जो भी लोग माननीय श्री राम नेवले से प्रेम करते थे, उनको आदर करते थे, उन सब ने हमारे स्वतंत्र विदर्भ राज्य में साथ निभाना चाहिए, साथ आना चाहिए। राम नेवले का जन्म नागपुर जिले के नरखेड़ में हुआ। यहाँ पर उनका कृषि सेवा केंद्र था, जिसके बाद वे किसान संगठन के संपर्क में आए। नागपुर जिला अध्यक्ष के रूप में कामकाज वही शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद वे संगठन से बाहर निकल गए और उसके बाद का जीवन उन्होंने अलग विदर्भ राज्य के सपने के लिए समर्पित कर दिया। राम नेवले बहुत मेहनती, बुद्धिमान और हिम्मतवान पदाधिकारी थे। उन्होंने स्वतंत्र विदर्भ के लिए प्रचंड संघर्ष किया। अपने अंतिम सांस तक वे स्वतंत्र विदर्भ के लिए लड़ पड़े। हमारे सीनियर साथी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के मुख्य निमंत्रक, जय विदर्भ पार्टी के फाउंडर अध्यक्ष, किसान संगठन के शेतकरी संगठना के भूतपूर्व अध्यक्ष, नागपुर जिला के शेतकरी संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय रामजी नेवले साहब का कल रात दुखद निधन हुआ। एक संयमी व्यक्ति, अपने उद्देश्य के प्रति कमिटमेंट रखने वाले व्यक्ति और फॉलोअप में बहुत ही सक्षम व्यक्ति, और पृथक विदर्भ के लिए, किसान आंदोलन के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई। और ये उनके जाने से किसान आंदोलन का, पृथक विदर्भ की मांग के विदर्भ राज की मांग का अपरिमित घाटा हुआ है, और उनको पृथक राज मिला देना हम सब साथियों की जिम्मेदारी है और सही ढंग से यही श्रद्धांजलि होगी। हाल ही में उन्होंने महानगर पालिका के साथ स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव लड़ने के लिए जय विदर्भ पार्टी की स्थापना भी की। उन्हें 2024 तक पृथक विदर्भ करना ही था, लेकिन उनका ये सपना ही बनकर रह गया। किसानों के नेता जो पृथक विदर्भ राज्य की मांग तन मन धन से करने वाले हमारे नेता माननीय राम नेवले जी, जिन्होंने अभी हाल ही में पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए 2023 का लक्ष्य लेकर जय विदर्भ पार्टी का स्थापना किया और उसके संस्थापक अध्यक्ष भी थे, और उनका एक ही सपना था कि पृथक विदर्भ राज्य बनना चाहिए, तभी युवाओं के सपने पूरे हो सकते हैं। और उन्होंने उसके लिए पूरे जी जान से काम किया। हम जैसे युवाओं को उसमें से उन्होंने तैयार किया, पूरे विदर्भ में उन्होंने संगठन बनाया। वो जो संगठन कौशल था, वो हर किसी के पास नहीं रहता, और वो मुख्य संयोजक होने के नाते उन्होंने जो संगठन कौशल जो लोगों तक पहुंचाया, लोगों को जोड़ने का काम किया, जिससे जज्बा, लोगों में जज्बा तैयार हुआ विदर्भ के प्रति। और 2023 में जो विदर्भ लेने की जो बात करते थे, वो बात साकार होते हुए नजर आ रही। परंतु ऐसे में हमारे नेता माननीय राम नेवले जी हमारा साथ छोड़ के गए, ये दुखद बातमी है। बुधवार को मानेवाड़ा घाट पर राम नेवले के पार्थिव का अंतिम संस्कार किया गया। एक संयमी, जिम्मेदार, सक्षम व्यक्ति को विदर्भ ने खो दिया। विदर्भ की हजारों जनता की भावना आहत हुई है।
ऐसे कर्तृत्ववान विदर्भवादी नेता को वीकेबी न्यूज की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।